Subscribe to my YouTube channel Sabir Edition. Click the bell icon. Assalamu alaikum friends, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब फ्रेंड खैर अफियत से होंगे. फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम थाईकॉम 78 डिग्री ईस्ट से जो आगे वाली सैटेलाइट्स है अब स्टार 76 ईस्ट, जो कि बंगाली सैटेलाइट्स जिसे कहते हैं अब स्टार 76 ईस्ट, तो आज हम वो ही सैटेलाइट लगाने जा रहे हैं. तो ये देख सकते हैं, ये हमारे पास थाईकॉम ऑलरेडी लगी हुई है, तो हम अब स्टार इसके अंदर लगाएंगे. अब ये हमारे पास अब स्टार 76 ईस्ट है, और यहाँ से मैं कोई अच्छा सा चैनल चूज़ कर लेता हूँ. ये चैनल 9 मैं आप लोगों के सामने लगा कर जा रहा हूँ, ये है चैनल 9. तो इसके लिए मैं चला जाता हूँ ट्रांसपोंडर लिस्ट में जाकर. ये आप TPS की देख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी कैमरा तो इतना फोकस नहीं कर रहा. तो ये हमारे पास डिश है, ये देख लें LNB की पोजीशन आप देख लें, वो ही सेम पोजीशन है जो कि हमने पिछली वीडियो में सेट कर चुका हूँ इस LNB की पोजीशन को. और ये है अप स्टार, अप स्टार से आगे वाला जो लिखा है वो है 76 ईस्ट का, सॉरी थाईकॉम. ऑलरेडी ये थाईकॉम लगी हुई है, इससे आगे वाला जो लिखा है वो है अप स्टार 76 ईस्ट का. तो ये पोजीशन आप देख सकते हैं आप लोगों के सामने है. ये डिश की जो ऊंचाई है ये 9 इंच है. तो अब इससे आगे हमने लगानी है अप स्टार, तो हमने सिर्फ डिश को 2 इंच आप लोगों के सामने मूव किया है. ये देख लें जितना का हमने मूव किया डिश को आप लोगों के सामने, हमने लाइन भी लगाई हुई है. तो ये देख लें, ये तकरीबन 2 इंच की डिश की जो रोटेट है हमने वो मूव किया है इसे, जी हाँ 2 इंच. तो जिन भाइयों ने मेरे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल प्लीज़. यार आप वीडियो देखते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि हमारा हौसला अफजाई हो जाती है, और हमारा भी दिल करता है कि हमारे जो व्यूज़ हैं और हमारे सब्सक्राइबर हैं तो हम उनको वीडियो जो है बनाकर कुछ और दें. तो ये देख सकते हैं हमने 2 मिनट में इसकी सेटिंग किया, तो इसके थोड़े से सिग्नल वीक हैं क्योंकि हमने इतनी कोशिश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल की नहीं की. जस्ट हमने तो आपको दिखाना था कि आप किस तरह से इसकी सेटिंग कर सकते हैं. ये देख सकते हैं ये चैनल 9 है आप लोगों के सामने चल रहा है ऑलरेडी. तो ये ही कुछ काम होता है, इतनी की देर लगती है डिश को. बस ये है कि आपको कुछ अंदाज़ा होना चाहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़.